अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहांजेब और एक जरा सोचने दो, मैं एक दफा फिर खुश आमदीद। हम अक्सर ये कहते हैं कि जो काम करो तवज्जो से करो, लेकिन क्या हमारी तवज्जो वाकई उस काम में होती है? आप देखते हैं लोग अक्सर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं और इसी इसना में गाड़ी यहाँ वहां लग जाती है, लेकिन तवज्जो से कर रहे होते हैं जो भी कर रहे होते हैं। हम ये काम क्यों करते हैं कि जब हम एक काम एक वक्त में पूरी तवज्जो से नहीं कर पाते तो हम दूसरा काम उस काम के साथ शामिल क्यों कर लेते हैं? जैसे माँ है, वो बच्चे का फीडर बना रही है और साथ में फोन पे बात कर रही है, ये अक्सर होता है। खाना बना रही है और कान पे फोन लगा हुआ है, कई बार तो हंडिया में भी गिरा है फोन, यकीनन जो लोग मुस्कुरा रहे हैं उनको अंदाजा होगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये अटेंशन फोकस यानी तवज्जो और बेतवज्जही क्या है, इस पर ही डालेंगे आज सारी की सारी रोशनी। और मैं बुला रही हूं इसके लिए अदील हाशमी। दश्त में है एक नक्शे रह गुजर, वाह, सबसे अलग। हम में है शायद कोई महवे सफर, सबसे अलग। अरे वाह। अब आगे भी शेर है इसके, जब भी मैं ऐसे करूं तो काफी आपने दोहराना है, यानी सबसे अलग। okay. याद रहेगा। चलते चलते वो भी आखिर भीड़ में गुम हो गया, वो जो हर सूरत में आता था नजर, सबसे अलग। सबकी अपनी मंजिलें हैं, सबके अपने रास्ते, एक आवारा फिरे हम दर बदर, सबसे अलग। मस्त फिर बागे तहय्युर में है ताऊ से सुखन, हू बहू खुलते हैं उसके बालों पर, सबसे अलग। हर कोई शामिल हुआ सरमद जुलूसे आम में, मुंह उठाए चल दिया है तू किधर, सबसे अलग। अब ये जो अलगियत है, मैंने अभी अभी उर्दू का लफ्ज इजाद कर दिया, ये क्या है और ये कैसे होनी चाहिए? देखिए, ये जो तवज्जो है ना, ये मैंने अभी शायरी इसलिए पढ़ी कि आपकी तवज्जो लम्हे भर के लिए इधर मबजूल और मरकूज हो जाए। ये आजकल की जो दुनिया है उसमें जो चीज़ें नापैद हो रही हैं उनमें एक चीज़ तवज्जो भी है। जैसे अब वो पुराने वाले फ़ोन नहीं मिलते, वो मिलते हैं अजायब घर में। जैसे अब टांगे नहीं मिलते शहरों में, वो कभी कभी मिलते हैं किसी पुराने रेस्टोरेंट में कि देखो इस पे कभी लोग जाया करते थे। पाकिस्तान में एक होटल है बहुत बड़ा, वहाँ पे एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी की हुई उन्होंने, वो कायद की गाड़ी है, पुराने ज़माने का डिज़ाइन। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब अजायब घर में नुमाइश के तौर पे मिलती हैं। मुझे अंदेशा ये है कि जैसे दुनिया जा रही है, ये जो तवज्जो है हमारी एक दोस्त और हमारा सासा, ये भी कहीं अजायब घर ना पहुँच जाए। तो आज इस पर करेंगे हम बात, लेकिन पहले मैंने आपको एक सच्ची कहानी सुनानी है और दूसरी ऐसी कहानी जो मुझे नहीं मालूम सच्ची है कि नहीं, पर कहानी है। 2008 की बात है, मैं उस वक्त इतना सा बच्चा था, रियली आज से 16 बरस पहले। तो मुझे उतनी उम्र से शौक था मौसीकी का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी कहीं गाना गाया है तो लोगों ने उंगलियां जो हैं वो कानों में दी हैं। तो मुझे बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि मियाँ ये काम तुम्हारा नहीं है और तुम इस काम के नहीं हो। तो मैंने सोचा कि अच्छा कोई साज बजाना सीखना चाहिए, तो मुझे शौक़ था पियानो बजाने का। तो मैंने सोचा कि ये साज सीखना चाहिए यार। तो मैंने एक उस्ताद साहब जो थे उनके पास में हाजिर हुआ, मैंने कहा मुझे बजाना सिखा दीजिए। कितना अरसा लगेगा? तो उन्होंने कहा अरसा नहीं, कुछ घंटे लगेंगे इसमें। मैंने कहा अच्छा कितने? उन्होंने कोई हिसाब लगाया और कहा कि 500 घंटे की रियाजत करो तो तुम्हें अच्छा आ जाएगा। मैंने कहा ये तो फिर जल्दी हो सकता है। मुझे एहसास नहीं था कि जैसे हम कभी कहते हैं कि कितने दिनों में तैयारी होगी किसी चीज़ की, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में, 10 साल में। अरे भाई, साल तो तब तय होंगे जब वक्त तय होगा। अगर मैं 10 साल बैठा रहूँ बगैर तवज्जो के तो कोई काम ही नहीं होगा, और अगर मैं तवज्जो दूँ तो शायद एक हफ्ते में, एक दिन में हो जाए। तो मुझे याद है कि मैंने रोज़ के 2 घंटे रियाजत शुरू कर दी उस साज की, और एक साल में या सवा साल में वो 500 घंटे पूरे किए। लेकिन दिलचस्प बात कुछ और है। दिलचस्प बात यह है कि उस एक साल में
जितना जिंदगी के मानी मेरी समझ में आए, जितना मैं पुरसकून और इत्मीनान से रहा, ना उससे पहले ना उसके बाद मुझे कभी इतनी गहराई और इतनी तमानियत महसूस हुई। तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है भाई, एक प्रैक्टिस ही तो है, जैसे सारे गामा पादा निसाब करते रहें दो दो घंटे। बहुत सालों के बाद ये बात आई समझ में, और अब है दूसरी कहानी। और वो ये है कि एक गांव में एक आहंगर रहा करता था। किसको पता है कि आहंगर क्या होता है? जो आहन से काम करता है। और आहन क्या होता है? शीशा। लोहार। अच्छा अच्छा, लोहार। तो वो तरह तरह की चीजें तराशता था और ढालता था, और दिन भर किसी से मिलता नहीं था, अपनी हट्टी में गुम रहता था और कुछ बनाता रहता था। ना कोई वहां आता था, ना ये कहीं जाता था। तो एक नौजवान बच्चा उसको देखा करता था कि ये लोहार जो है, ये रोज सुबह जाता है और शाम को आता है, और थका हुआ पसीने और राख में मलबूस, लेकिन चेहरे पे बहुत सुकून होता है इसके। वो बच्चा कई साल तक उस लोहार को ऐसे ही देखता रहा। एक दिन लोहार को उसने पूछा कि आप क्या करते हैं? लोहार ने कहा, भाई मैं कुछ काम करता हूँ, को बात ना की ज्यादा। अब बच्चे को तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कहाँ जाते हैं बाबा जी, और ये क्या करते हैं सारे दिन। तो बच्चे ने गाँव के जो सब्जी वाले थे बशीर चाचा, उनसे पूछा कि बशीर चाचा ये लोहार क्या करता रहता है? तो बशीर चाचा ने बताया कि वो शहर के अजायब घर वालों ने इस बेचारे को एक असाइनमेंट दी है कि एक पुराने ज़माने की एक ढाल बनानी है। अब इस बेचारे से वो बन नहीं रही, तो ये दिन रात वही बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो परेशान रहता है। उस बच्चे को बड़ी तशवीश हुई कि देखो बेचारा बुजुर्ग है, हालांकि इतने साल से ये काम कर रहा है, तो इतनी मुश्किल चीज़ है ढाल बनाना। एक दिन वो बच्चा जो है वो सुबह सुबह उठा और पीछे पीछे लोहार के चल पड़ा कि मैं भी इसकी हेल्प करूँगा। वो हट्टी पे पहुंचा तो लोहार ने कहा कि आप कहाँ? तो बच्चे ने कहा कि मैंने आपकी मदद करनी है। तो लोहार ने कहा, लेकिन आपको लोहे वाला काम आता है? तो उसने कहा नहीं। तो लोहार ने कहा, फिर क्या करोगे? तो कहता है, मैं आपको औजार पकड़ा दिया करूँगा, और अगर ज़ोर से कहीं पर हथौड़ी मारनी तो मैं वो मार दिया करूँगा। तो वो हंसा लोहार। तो जब हट्टी में पहली बार बच्चा गया तो उसने देखा कि हजारों ढालें वहाँ पड़ी हुई हैं, बनी हुई एक से बढ़कर एक खूबसूरत और नक्शीन और मुनफरिद। तो बच्चे ने कहा कि मुझे तो किसी ने कहा था कि आपसे बन नहीं रही, लेकिन आप तो इतनी अच्छी बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं? तो उस लोहार ने कहा, ये जो ढालें हैं ये मैं कोई बेचने के लिए या नुमाइश के लिए नहीं बनाता, ये मैं इसलिए बनाता हूँ कि ये ऐसा काम है कि ये मेरी मुकम्मल तवज्जो चाहता है, और मैं चाहता हूं कि मेरी सारी जिंदगी किसी ऐसे काम में गुजरे कि मुकम्मल तवज्जो से वो मैं काम करूं, क्योंकि उस काम के दौरान जो मुझे सुकून और मानी मिलते हैं वो मुझे कहीं नहीं मिलते। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उस बात का एहसास हुआ कि अरे, अपने आप को किसी एक काम में ऐसे ढाल देना चाहिए कि तवज्जो बिल्कुल उस तरफ चली जाए, चाहे वो काम जो है वो ढाल बनाना ही क्यों ना हो। वाह, ये है तवज्जो। अब इसकी हमें क्यों ज़रूरत है भाई, और आज के दौर में इसकी अहमियत क्या है, इसकी ऊपर अब करेंगे बात हम। लेकिन मुझे आयशा की शक्ल से मालूम है कि वो उतावली हो रही हैं इस काम के लिए। जी बिल्कुल, हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन अदील एक सवाल है मेरा आपसे, ये बताएं आप कौन सा काम है जो पूरी तवज्जो से करते हैं? मैं निहायत तवज्जो से बेतवज्जही की तरफ तवज्जो देता हूँ। एक तो ये काम करता हूँ, मैं जब लिखता हूँ तो मैं तवज्जो से लिखता हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ तो तवज्जो से पढ़ता हूँ, मैं जब कभी कभी मौसीकी सुनता हूँ जो आज मैंने सुनी दो तीन घंटे, तो तवज्जो से सुनता हूँ, मैं जब ये प्रोग्राम करता हूँ तो मैं निहायत तवज्जो से करता हूँ। क्या बात है? मैं जब अच्छे दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं तकरीबन हर तमाम तर तवज्जो उनको देता हूँ, और जब वो नहीं लौटाते मेरी तवज्जो और वो फ़ोन पर होते हैं तो मुझे खासी कोफ्त होती है। और ये सवाल जो आपने मुझे दागा, अब मैं आपकी तरफ वापस फेंकता हूँ। अच्छा। क्योंकि न्यूटन भाई ने ये कहा था कि हर जो एक्शन है उसका एक रिएक्शन है। बिल्कुल। तो आप ऐसा कौन सा काम है जो तकरीबन तमाम तवज्जो के साथ करती हैं? जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं कंप्लीट तवज्जो के साथ करती हूँ, मैं अपना ध्यान इधर उधर नहीं होने देती। अरे वाह। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ अपने, तो मैं पूरी तवज्जो के साथ वो काम करती हूँ। जिस जमाने में मैं लड़कियों को या लड़कों को लिटरेचर पढ़ाया करती थी वो पूरी तवज्जो से किया करती थी। वेरी गुड। और ये प्रोग्राम भी पूरी तवज्जो से सुन रही हूँ।
अच्छा जी जनाब। एक और सवाल ब्रेक से पहले, वो कुकिंग जो है वो कितनी बाकायदगी से करती हैं? मैं काफी दफा होती है, लेकिन साल में काफी दफा होती है या एक सदी में? नहीं नहीं, चलिए एक सदी समझ लीजिए। अच्छा, यानी कि सालाना तौर पे करती हैं ये तवज्जो अपनी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं काफी दफा करती हूँ, महीने में काफी दफा होता है। महीने में काफी दफा, वेरी गुड। अब ब्रेक लें ताकि फिर हम वापस आएं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, तवज्जो के ऊपर मजीद बात होगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक एक जरा सोचे दो में, मैं और अदील हाशमी बात कर रहे हैं तवज्जो पर। जी जनाब। भाई साथी और आयशा, हुआ ये कि इंसान ने अजीब व गरीब और होश उड़ा देने वाली, बल्कि जिसे कहिए तिलिस्म होश सुबह जैसी इजादात की हैं। बिल्कुल। और इनकी जो रफ्तार है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। मिसाल के तौर पे इंसान ने जैसे ही कदम रखा ज़मीन पे, खुदा जाने कब, तो शायद हज़ारों साल लग गए उसको जहाज ईजाद करते करते। लेकिन जैसे ही जहाज ईजाद हुआ, उसके 60 साल के अंदर अंदर इंसान चांद पर पहुंच गया। तो वो जो पहली दफा कोई ईजाद होती है तो वो तो बहुत देर में होती है, लेकिन जब हो जाए तो उसके बाद जो पहिया है ईजादात का बहुत तेज हो जाता है। हमने यही किया है अपने साथ, और वो ये है कि शायद 100 बरस हुए हमने बिजली और ये बर्फी कुमकुमे जो है ईजाद किए, जिससे मुराद ये है कि अब रात को सूरज बेशक चला जाए, रोशनी ख़त्म नहीं होती। तो अब हमने जो पहले हमारी दादियाँ या परदादियाँ के भी, जब मगरिब हो जाए तो अब सारे काम बंद, अब घर के अंदर आ जाओ, और अब एक दो घंटे के बाद खाना वाना खा के अब सब सो जाएंगे, और सुबह नूर के तड़के आँख खुल जाएगी और सूरज के साथ साथ सब उठ भी जाएंगे। लेकिन हमने जब ईजाद की बिजली और फिर कुमकुमे और अब इंटरनेट, तो अब ये जो सूरज भाई हैं इनकी हमें को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और अब दुनिया में लोग सोते ही नहीं हैं। तो अब क्या किया जाए? इस काम ने किया क्या? इस काम से बहुत से फ़ायदे हुए हैं, बिज़नेस को बहुत फ़ायदा हुआ है, तजारत को बहुत फ़ायदा हुआ है, कम्युनिकेशन को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम एक लम्हे में किसी से राब्ता कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए रात को तो फ़ौरन राब्ता होकर इंसान पहुँच सकता है। लेकिन इसका नुकसान भी एक बहुत ज़्यादा हुआ है, और वो ये हुआ है कि हम जानबूझ के अपने आप को गुम रखते हैं ऐसी चीज़ों में जो बहुत सारा कुछ उसमें से कुछ बेकार सा है। क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई सोशल मीडिया पे है, हर वक्त कोई ना कोई टेलीविज़न पे है, हर वक्त कोई ना कोई फिल्म देख रहा है, चाहे वो वक्त सोने का भी है। आपने एक टर्म सुनी होगी, सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम ये होता है कि हमारा जो जिस्म और हमारा जहन जो है ये ऐसे तख्लीक किया गया है कि सूरज के साथ साथ चले, कि जब सूरज उठे तो कुछ देर में हम भी उठ जाएं, और जब सूरज सोने जाए तो हम भी सोने चले जाएं। जो जिस्म है उसको ऐसे ही तख्लीक किया गया है। हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि नहीं, हम कुदरत से ज़्यादा बड़ी कुछ ईजाद करेंगे। हम रातों को जागेंगे, हम दिन को सोएंगे, हम दोपहर में कैलूला नहीं करेंगे, हम खाना जो है वो बिस्तर में खाएंगे रात 11 बजे। ये सारा कुछ 25, 30, 50 बरस पहले मुमकिन ही नहीं था। इसने किया क्या हमारे साथ? एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि आज से कुछ 25 बरस पहले मेरा जो बड़ा भाई था वो पढ़ता था अमेरिका में, तो हफ्ते में एक दिन 15 मिनट के लिए हम लोग कॉल मिलाया करते थे बात करने के लिए, और रात 10:30 के बाद, क्योंकि क्वार्टर रेट हुआ करता था उस वक्त कॉल का। उसके बाद ये हुआ कि अब तो फ्री हो गई है ना कॉल्स, अब तो वीडियो होती है, दुनिया में कहीं भी वीडियो कर लें वो मुफ्त है। सो एक धमाका हुआ है दुनिया में कम्युनिकेशन का, ऐसा ही है ना, कम्युनिकेशन बहुत आम हो गई है। लेकिन एक दिलचस्प बात है आयशा, वो ये है कि कम्युनिकेशन तो बहुत आम हो गई है, कम्युनिकेट करना जो है किसी के लिए वो मुश्किल तर होता चला जा रहा है। ऐसे लोग अपनी ज़ुबान भूल गए, लोग आदाब भूल गए, लोग सलीका भूल गए, लोग लफ्ज़ भूल गए, लोग ज़ुबान भूल गए, लोग तहजीब भूल गए, लोग रिवायात भूल गए, लोग तारीख भूल गए। अरे भाई ये क्या हो गया? अब तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है, अब तो हर तरह के औज़ार मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि लोग बोलना, गुफ्तगू करना, सोचना तक भूल चुके हैं। ये जो मैंने मिसाल दी जानबूझ के, ये एक सिम्टम है, ये खराबी नहीं है। और इसकी जो खराबी है वो ये है जो मैं कहने लगा हूँ, और वो ये है जो आयशा ने बात की, तीन चीज़ें गिनवाई आयशा ने कि जो करती हैं बिल्कुल तवज्जो के साथ।
मैं आपसे भी ये बात पूछूंगा लेकिन प्रोग्राम के आखिर में, और वो ये है, वो कौन सा काम है जो आप लोग तवज्जो से करते हैं और तवज्जो से मुराद क्या है, इसका कोई फार्मूला है? तो चलिए इसका एक फार्मूला ईजाद किए लेते हैं ताकि मालूम तो हो कि तवज्जो क्या है। तवज्जो का फार्मूला ये बना लेते हैं, कोई काम ऐसे करना कि एक तो उसमें उस दौरान कुछ और मुखिल ना हो, उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, हमने यक मुश्त वो काम करना है, वो कुछ भी है, वो चाहे खाना पकाना है, चाहे बच्चों को पढ़ाना है, चाहे सात का पहाड़ा याद करना है, वो यक मुश्त किया जाए काम। एक चीज़, जब वो वक्त गुजरे, मिसाल के तौर पे आधा घंटा, तो आप देखिए कि उस आधे घंटे में कितना काम हुआ है और आपकी तवज्जो कितनी दफ़ा उस काम से हटी है। अगर तो नहीं हटी तो तवज्जो है। कुछ लोग कैसे तवज्जो देते हैं, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। जिन साथियों को मगरबी तहजीब का शौक है मगरब से और कुछ मशरक से, हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसका नाम बजाते खुद एक ब्रांड ही समझ लें, उसका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, और उसकी फिल्में ऐसी होती हैं कि जब पता चले कि उसकी फिल्म आ रही है तो उसमें कोई भी स्टार हो, स्टार जो है वो नीचे दब जाता है, हिदायतकार का नाम उससे बड़ा होता है, आप सोचिए, और दुनिया का जो बॉक्स ऑफिस है वो फैल जाता है कि जब उसकी फिल्म आती है, और अभी हाल ही में उसकी फिल्मों ने तहलका मचाया दुनिया भर में। वो जो डायरेक्टर है, जो हॉलीवुड का डायरेक्टर है, उसके पास स्मार्टफोन है ही नहीं। जब उसके अदाकार, जो दुनिया के चोटी के अदाकार हैं, उसको देखते हैं तो अपना स्मार्टफोन छुपा लेते हैं कि वो आ रहे हैं, उनको नजर भी ना आए स्मार्टफोन। ये है क्रिस्टोफर नोलन। अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, टॉप, वो ना सिर्फ स्मार्टफोन नहीं रखते, वो ईमेल्स भी नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो अपने लिखने के ऊपर या पढ़ाई पे या तहकीक पे करनी है। ये हो गई दो मिसालें, दो यहाँ की भी सुन लें। मेरे जो महबूब और उस्ताद हैं ज़िया मईउद्दीन साहब, खुदा गरी के रहमत करे, उनके पास भी नहीं था फ़ोन, और उनको जब कभी फ़ोन करो तो उनकी बेगम उठाया करती थी फ़ोन, कहाँ है ज़िया साहब, कि वो किताब पढ़ रहे हैं। तो वो दौरों दौर के साथ साथ उन्होंने ये जो जिसको वो इल्लत कहा करते थे, इल्लत बीमारी को कहते हैं कि भाई ये जो बीमारी है ना इससे हमें दूरी रखो। एक और मिसाल दूँ आपको, मेरी उनसे एक मोहब्बत भी है, नियाजमंदी भी है, और मैं गुस्ताखी करता हूँ उनसे बेतकल्लफी का, और वो ये जो शख्सियत है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो इदारा है इसमें जब शुरू के जो लोग आए और उससे लेके आज तक, वो इस पे जलवा अफरोज होते रहे, और मैं बात कर रहा हूँ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की। अरे वाह। उनसे मैंने पूछा एक दफ़ा कि आपने इतनी नॉवेल्स लिख ली, इतनी इतनी मोटी नॉवलें हैं, चाहे आपने कहीं से नकल भी करनी हो, सोचिए कितना सब्र तलब और मेहनत तलब काम है। तो मुझे उन्होंने बताया था एक दफ़ा कि जब शाम को 7 बजते हैं, कोई भी दिन हो, दिन कोई भी हो, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, गर्मियां, सर्दियां, बहार, खजां, बारिश है, धूप है, 7 बजते हैं तो मैं अपने स्टडी में चला जाता हूं और कागज़ और कलम उठा लेता हूं, और 11 से पहले निकलता ही नहीं हूं। मुझे किसी महफिल का कोई दावतनामा हो, कोई शादी हो, कुछ हो, 7 बजे से लेके 11 तक उस कमरे में कोई नहीं आ सकता और ना मैं कहीं जाता हूँ। और ये मैंने कहा कितना अरसा आपने ये किया, कहने लगे मियाँ 50 साल तो हो ही गए। वाह। मैंने कहा आप थक नहीं गए, क्योंकि 2-4 दिन बाद इंसान कहता है बस बहुत हो गई भाई। कहने लगे मुझे अपनी तवज्जो उस कागज़ पे लिखते हुए, जब मैं एक नुक्ते पर मरकूज करता हूँ, मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे किसी महबूब से गुफ्तगू हो रही है। क्या बात। तो कौन चाहता है महबूब की महफिल से उठना? तो मैं कहते हैं दोपहर होती है तो मुझे एक उकसाहट होती है कि जल्दी से 7 बजे ताकि मैं वहां पर जाऊं और बस तवज्जो सिर्फ वहीं पर रखो। क्यों जरूरी है तवज्जो, ये हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक जरा सोचने दो में हम बता रहे हैं कि तवज्जो मरकूज कैसे की जाती है। जी आयशा, 2-3 बहुत अहम बातें हैं बिलखसूस नौजवानों के लिए या उन साथियों के लिए जिनको मेरी तरह ये मुगालता अपने बारे में कि वो अभी भी नौजवान हैं, वो भी क्योंकि नौजवानी जो है वो जिस्मानी नहीं, वो एक जहनी कैफियत है।
इंसान बूढ़ा हो के भी जवान महसूस करे, जैसे ज़िया साहब कहते थे, वो भी एक इल्लत है। वो भी एक इल्लत है। और कुछ ऐसे जवान लोग मुझे मिलते हैं जिनकी उम्रें को 20 22 25 बरस होती हैं और मुझे महसूस होता है कि वो ज़ईफ हैं, कि सर बस बहुत थक गए। दिल करता है कि इनको एक ऐसे मुक्का सा लगाऊं प्यार से। देखिए एक सवाल जी, बिस्मिल्लाह, इससे पहले कि आप आगे बढ़ जाएं, बहुत सारे बच्चे आजकल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, उसमें क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं, माँ बाप या एनवायरनमेंट, या यही कि हम तवज्जो नहीं देते, हम बच्चों से बात करते हुए अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, या मे बी वो देखते हैं बच्चे हमें और वो भी यही काम पकड़ लेते हैं, ज़्यादा देर किसी तरफ देख नहीं सकते। मैंने कुछ बच्चों को YouTube या कोई ड्रामा जो है 1.2 या 2. से भी आगे मल्टीप्लायर लगा कर उसकी आवाज़ को तेज़ सुनते हुए देखा है, तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होती है, मुझे तो कोफ्त होती है उस तरह देखते हुए प्रोग्राम। क्या इसके हम जिम्मेदार हैं खुद? पहले इस पे लतीफ़ा सुन लें जी। वो जो आगे आगे देख रहा है YouTube पे, वो जो भी साथी है कि आगे आगे देखो, तो उसको पूछना चाहिए था जो कोई उसको देखे कि आगे क्या तलाश कर रहे हो। लतीफ़ा सुन लीजिए। एक बड़े अच्छे शायर थे हमारे हमसाया मुल्क के, नाम नहीं बताता आपको, शायद बता भी दूँ। वो किसी ऐसी महफिल में गए जहाँ पे जो सुनने वाले सामईन थे उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी शायरी में। अरे वाह, न जाने क्यों इकट्ठे हो गए थे। तो ये आके उन्होंने अपना कलाम सुनाया, तो उन्होंने पहला शेर सुनाया तो लोगों ने जमाइयाँ ली, दूसरा शेर सुनाया तो लोगों ने दाएँ बाएँ देखा, तीसरा शेर सुनाया तो लोगों ने खांसना शुरू किया, क्योंकि लोग किसी और काम से आए हुए थे। तो फिर कहने लगे कि मैं अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। तो वो जो साहब थे, वो जो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनसे कहो बेटा ये आगे भी फिल्म ऐसी ही है, तो आगे क्या तलाश कर रहे हो। अच्छा, तवज्जो की एक दो चीज़ें जहन नशीन कर लीजिए। एक चीज़ तो ये कि जो मैंने आपको मिसाल दी अपने साज की प्रैक्टिस करने की, वो साज की प्रैक्टिस का लुत्फ नहीं था, वो तवज्जो को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जिसको उर्दू में मुहद्दब अदसा कहते हैं। जी बिल्कुल, मुहद्दब अदसा। हाँ, कि वो करती ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, कि वो जो सूरज की शुआएं होती हैं बिखरी हुई, उनको ऐसे एक तरफ ला के एक चीज पे फोकस करती है और वहां पे आग लग जाती है। तवज्जो भी ऐसे ही करती है। अगर आपने वो ग्लास हटा दिया तो हर तरफ शुआएं जा रही हैं और हल्की हल्की सी हरारत फैली हुई है, कहीं पे वो हरारत एक नुक्ते पे जमा नहीं हो रही, इसलिए उसका असर भी कोई नहीं हो रहा। असर क्या है? लुत्फ है असर, इत्मीनान है, सुकून है। कोई हुनर, कोई फन, कोई कला सीखना, उसके लिए वो अहम है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जब कोई काम किया जाए तो इसलिए ना किया जाए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो भी अच्छा है, उधर भी तवज्जो दे लीजिए, लेकिन वो जो अमल है करने का, वो बजाते खुद ऐसा अमल है कि दिलचस्प और खूबसूरत अमल है। जैसे बच्चों की तरबियत है, इसलिए तो नहीं करते तरबियत कि बड़े होकर डॉक्टर बन के हमें ये रोटी खिलाएंगे। और भाई खिला देना रोटी, अच्छी बात है, लेकिन जब तुम कामयाब होगे, जब मैं तुम्हें फलता फूलता देखूंगी, तो बजाते खुद एक तस्कीन का बायस होगी। सो अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो अपनी जो अटेंशन है उसको किसी एक नुक्ते के ऊपर, मामूली से मामूली चीज़ हो, सैर करने जा रहे हैं और सिर्फ एक दरख्त को देखना है, एक चिड़िया को देखना है, लेकिन तवज्जो वहीं रहे, ये करना सीखें। और वो जो शैतानी आला है, शैतान की आंत, उसको वो कीजिए जो मैंने कर रखा है, अपने से दूर कर दें उसको, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो हमलावर उस पर ना हो सकें। एक चीज़, आखिरी एक चीज, और वो ये है कि जैसे इंसानी जिस्म जो है, इसके पास बहुत कम ऐसे सिम्टम्स हैं कि ये आपको बताए कि आपने इसमें खराबियां पैदा की हैं। पेट में दर्द होगी, सर में दर्द होगी, आवाज़ारी होगी, थकन होगी, 5-6 चीजें हैं, लेकिन खुदा जाने कितनी बीमारियां हैं, हमें तो नहीं मालूम। उसी तरह जो तवज्जो है, ये बेशुमार चीजों से टूट सकती है, इसलिए उन सब को दूर करें, लेकिन फोकस ये एक ही मौके पे, एक ही जगह पर कर सकती है। और ये बहुत बड़ी एक मिथ है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कि हम 4-6 काम इकट्ठे कर सकते हैं। इंसानी जहन तख्लीक इसलिए नहीं किया गया, हम जब एक काम करते हैं और साथ दूसरा करते हैं तो पहला रोक के दूसरा करते हैं। सही। आप एक काम कीजिए, आप रियाजी का कोई सवाल हल कीजिए और साथ साथ खाना पकाइए, तो मैं देखता हूँ दोनों काम कैसे होते हैं, इनमें से एक ही हो पाएगा।
अभी इम्तिहान लेते हैं आयशा के इस बारे में। आयशा आपको एक से लेकर पांच तक गिनती आती है? बिल्कुल। जरा गिन के सुनाए, मुझे शक है कि नहीं आती। एक दो तीन चार पाँच। और तेज गिने, कितनी तेज गिन सकती हैं? आधे सेकंड में गिने, फौरन गिन लिया आधे सेकंड में। अच्छा, ए से लेके ई तक ए बी सी भी आती है? तेजी से सुनाए। ये भी आती है। अब एक काम करें, अब इनको उल्टा पढ़े, लेकिन एक ई और फिर फाइव और फिर एफ और ऐसे पढ़े मिक्स करके दोनों को। नहीं, अब ये देखिए हमने मल्टीटास्किंग की है, सिर्फ मैंने उसका ऑर्डर चेंज किया है। जो काम आधे सेकंड में आयशा कर सकती है सीधा, अगर इसको मैं यूं कर दूं और एक काम को मिक्स कर दूं, एक से लेके पांच तक गिनती और ए से लेके ई तक रिवर्स में एक के बाद एक, तो पांच मिनट लग जाएंगे। और इसी काम को मैं कहूँ सीधा तो आधे सेकंड में हो जाएगा। तवज्जो भी यही करती है, जो काम आधे सेकंड का है अगर आपने उसमें चीज़ों को मिक्स किया तो वो कई मिनटों पे मुहित हो जाएगा और गहराई भी नहीं होगी। आखिरी एक बात, और वो ये है कि देखिए कुछ काम ऐसे हैं कि जो अब हम ऐसे करते हैं कि जैसे एक झील की सतह है और वो एक पत्थर उस पर फेंका जाए जो ऐसे 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 जाता है पर अंदर नहीं जाता। मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके करीब तरीन रिश्ते हैं, वो जो भी हैं, आप नहीं चाहेंगे कि रिश्ते जो हैं वो गहरे हों? कौन चाहेगा कि रिश्ता मेरा सतही रह जाए? वो कौन चाहेगा? क्या आप नहीं चाहेंगे कि जो भी आपका शोभा है उस शोबे में जो आपकी मालूमात और दस्तरस और हुनर है वो गहरा हो और वो सतही ना हो? ऐसा नहीं चाहेंगे आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका जिस्म, आपका जहन, आपकी रूह जो है इसकी जो फला है वो गहरी हो, मजबूत हो, ना कि बस ऊपर ऊपर से हो? क्यों नहीं चाहेंगे? तो ये हमने आज गुफ्तगू शुरू करनी थी कि भाई तवज्जो एक चीज़ है और ये जदीद दौर ने उसके ऊपर यलगार शुरू कर दी है। इंटरनेट ने तो नहीं सोना, सोशल मीडिया ने नहीं सोना, व्हाट्सएप ने नहीं सोना, टेलीविज़न ने नहीं सोना, सोना पर हमने तो सोना है, उसके बगैर तो नहीं काम बनेगा। इसलिए इसकी तवज्जो के ऊपर तवज्जो ज़रूर दें, मैंने आज यही कहना था। अब आयशा ने क्या सलूक करना हमारे साथ, अब आप जाने और आयशा जाने। मैं चाहूँगी अदील के हम ऑडियंस से पूछें, जो सवाल आपने मुझसे किया था कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो ये मुकम्मल तवज्जो से कर लेते हैं, तो मैं और अगर किसी ने गलत बयानी की तो हमें उसके चेहरे से इल्म हो जाएगा कि नहीं इसके बस की बात ही नहीं है काम करना, कि चोरी पकड़ी गई है। जी जनाब, सबसे पहले जी। मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं वो तवज्जो से करती हूँ। रीडिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सी बुक्स रीड करना पसंद करती हैं आप? मुझे हिस्ट्री पसंद है मोस्टली। ओके। और मेरा होता यह है कि मैं आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए पढ़ती हूँ, फिर मैं उसमें 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ फॉर 15 मिनट्स और हाफ एन आवर, और पूरी तवज्जो से कॉन्शियस होकर पढ़ती हूँ। तो फोन साथ में नहीं होता? नहीं, रीडिंग करते हुए मैं इवन जब दूर सब्जेक्ट्स बुक पढ़ती हूँ तो मैं फोन यूज कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी मनपसंद किताब पढ़ रही होती हूँ तो फोन यूज नहीं करती। क्या बात है, वेरी एक्सेलेंट, वेल डन। चलिए जी, अब इधर कोई, मेरे ख्याल है इनसे पूछते हैं, कौन सा काम है जो आप मुकम्मल तवज्जो से करते हैं? मैं भी रीडिंग या जब म्यूजिक वगैरह रियाज करता हूं तो। अच्छा, आप रियाज करते हैं? ओकेजनली। वेरी नाइस। तो जब करता हूं तो फोन नहीं होता साथ? नहीं, बिल्कुल फोन नहीं होता। और कोई और काम भी नहीं कर रहे होते? नहीं, बिल्कुल पूरी अटेंशन जो होती है वो रियाज की तरफ होती है फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स। ये रियाज गाने वाला या कोई दोस्त है रियाज नामी, वो तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, गाना। वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये हमारे साथ ये दोस्त, कोई ऐसा काम जो आप चाहती हैं कि मैं तवज्जो से किया करूं लेकिन मेरी तवज्जो दाएं बाएं रहती है और मैं बस सोचती रहती हूं, मेरी वहां टेंशन जाती नहीं है, ऐसा कोई काम है? पढ़ना। पढ़ना, पढ़ाई यानी कि पढ़ाई? हां जी। तो आप फोन रखती हैं अपना जब आप पढ़ रही होती हैं तो? हां जी, मैं यूज भी काफी करती हूं पढ़ते हुए। तो कौन सा ऐसा काम है जो आप चाहती हैं कि आप करें और उसमें फोकस रहे आपका? पढ़ाई, मतलब रीडिंग वगैरह बुक्स? नहीं नहीं, उसमें मेरा फोकस होता है। अच्छा, रीडिंग में आपका फोकस है, पढ़ाई में आपका फोकस नहीं है। अच्छा, आजकल की जनरेशन में आपने नोटिस किया कि अपनी मर्जी की किताब पढ़ना चाहेंगे तो उसमें उनका फोकस है लेकिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं है। ये मेरा वोट 100% इस नई नस्ल की तरफ है। वेरी गुड। इसलिए कसूर बिल्कुल नई नस्ल का नहीं है। अगर किताब जो है या पढ़ाई जो है वो अपनी तरफ खींच नहीं सकती नौजवान नस्ल को, तो बस फिर मसला जो है वो नस्ल में नहीं है,
अच्छा, मेरा तो ये मौका है। यानी असल में मसला है, असल मसला ये है कि पढ़ाई का प्रॉब्लम है, बच्चों का कसूर बिल्कुल सही नहीं है। जी मैं जब क्रोशिया करती हूँ ना तो मेरा दिल, मेरा हाथ दुख चुका होता है लेकिन मेरा दिल कह रहा होता है और करो और करो, रुकने का दिल ही नहीं चाहता। सो आप क्रोशिया करती हैं और उससे मुझे शौक है उसका। अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। क्रोशिया इज अ डाइंग आर्ट, बहुत कम लोगों को आता है, रह गया जो करना आता है। आप में किसको शौक था, वालदा की तरफ दादी की तरफ, कौन करता था? दादी करती थी लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है। अच्छा, आपने देखा नहीं है? नहीं। तो आपके अंदर से कैसे निकला ये शौक था? अच्छा अच्छा, जबरदस्त। आप क्या क्या बना लेती हैं क्रोशे से? अभी मेरे बिगिनिंग है तो मैं फ्लावर्स, ग्लव्स, छोटी मोटी चीजें बना। ओह नाइस, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, उसको ऑनलाइन बेचती भी हैं? अभी इतना नहीं पहुंची। तो ये एक अच्छा आइडिया दिया मैंने आपको, है ना? बिल्कुल नहीं बेचना उसको, क्योंकि जैसे उसको शुरू किया बेचना तो तवज्जो फिर वहां चली जाएगी कि मैं कैसा बनाऊं ताकि ये बिक जाए। अच्छा, आप ये कीजिए, आप बनाइए, अम्मा से कहेंगे वो बेच दे। हाँ, ताकि अम्मा की तवज्जो आपसे हटी रहे, अम्मा भी खुश रहे, आप भी खुश रहे। ये अच्छा आइडिया। अच्छा जी, मैं टीचर हूँ तो हमारा टीचर्स का ना एक बड़ा मशहूर फिक्रा है, जब भी पेरेंट्स पूछते हैं कि इसके ग्रेड्स काम है, हम कहते हैं जी ये तवज्जो नहीं देता, तो इसकी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये तो टीचर ने बताना है, वो तवज्जो क्यों नहीं देता। अच्छा, अब उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं होता क्लास में, बच्चे के पास तो क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं उसके उसके पास कि वो तवज्जो नहीं देता। मैं खुद भी एक टीचर रही हूँ काफी अरसा, और बच्चों की तादाद भी काफी है कि मुझे अंदाजा है कि बच्चे स्कूल में क्यों अटेंशन पे नहीं कर पाते। इतने यूज्ड टू हो जाते हैं वो अपने गैजेट्स के, अपने टीवी स्क्रीन्स के और स्क्रीन टाइम के, कि उनकी तवज्जो 2-3 सेकेंड्स, 1 मिनट 2 मिनट से आगे जाती ही नहीं है। अब उस्ताद का काम है कि वो वहाँ ऐसा क्या करे कि बच्चे सब छोड़कर उस्ताद की तरफ देखने पर मजबूर हो जाए। उनकी बात, उनका अंदाज, उनकी एक्टिविटी, अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको एक्टिविटीज़ में बनानी पड़ेंगी, अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए भी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन अलग। मिसाल के तौर पर पहले आप अपनी क्लास में, अगर आप लेट से आप 13-14 साल के बच्चे की क्लास में जा रहे हैं और आपके पास 15-16-14 ईयर ओल्ड्स बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें कहें कि आप अपनी चेयर से निकलें और एक चक्कर लगाएं अपनी टेबल का और उसके बाद बैठें। उससे जो वो बैठे बैठे पूरा दिन उनकी फ़्लो ऑफ ब्लड जो है रुका होता है, अटेंशन रुकी होती है, दिमाग तक थोड़ा सा ब्लड फ्लो जाता है तो अटेंशन बेहतर हो जाती है। और जिस बच्चे को आप देखेंगे जो बिल्कुल ही अटेंशन पे नहीं कर रहा, उसको बिल्कुल उठा के अपने साथ बिठा लें ताकि टेंशन के मारे उसकी अटेंशन आप पर आ जाए। ये तो मैंने तो यही सीखा है जिंदगी में। ये हमारे यहाँ एक्टिव लर्निंग का रिवाज नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। हाँ जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम अभी तो मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमारी तवज्जो किसी भी काम में नहीं होती, लेकिन जब मोबाइल फोन नहीं था तब लोगों की कैसी जिंदगियां थीं और वो कितने प्रोडक्टिव थे और अब कितने प्रोडक्टिव हैं? वो कितने प्रोडक्टिव थे, ये जो बिजली की इजाद है उस वक्त तो कुछ भी नहीं था भाई। मतलब जो पहिया इजाद हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उस वक्त कहाँ थी ये गैजेट्स? कहीं पे भी नहीं थे। चीज़ें तो अब भी बन रही हैं, अब उनकी इम्प्रोवाइजेशन हो रही है। जो इजादात थी बड़ी बड़ी मेजर इजादात जो पिछले दौर अदवार में हो चुकी है, अब आप उनकी इम्प्रोवाइजेशन देख रहे हैं। मतलब अब मैंने, मेरा एक दोस्त है वो मुझे बताया था कि चाइना ने एक ऐसा टीवी बना दिया है, वो प्रोजेक्टर की तरह एक छोटा सा ग्लास है, अब उसको जहाँ रखें वहाँ सामने प्रोजेक्शन खुल जाती है, उसके अंदर ही वाईफाई है, उसके अंदर ही स्पीकर्स हैं, सब कुछ। वो इतनी सी डिवाइस है, अगर आप सामने देख देख कर गर्दन थक गई है, सोना चाहते हैं, सोते सोते टीवी देखना चाहते हैं, तो अपने बेड पर रख लें और आपको छत पर नज़र आना शुरू हो जाएगा प्रोजेक्शन। सो अब हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें माजी में की गई इजादात को इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। नई, खुद ब खुद कोई नई इजाद मैंने तो, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो ज़रूर बताइए। मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है कि हम किसी बेजान चीज़ को बुरा गर्दाने कि इसका कसूर है। भाई बिजली से इंसान मर भी सकता है, उससे उसकी लाइट में इंसान पढ़ के डॉक्टर बन सकता है, छुरी जो है वो किसी को आप मार के ज़ख्मी कर सकते हैं, डॉक्टर उससे इलाज भी कर सकता है। बिल्कुल।
तो वो बजाते खुद तो कुछ नहीं है, वो चीज़ उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना रहा है। तो अगर आपने उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं किया तो वो चीज़ तो बुरी नहीं होगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ने या इंटरनेट ने या लैपटॉप ने बहुत सी जानें बचाई भी हैं, बहुत से रिश्ते बचाए भी हैं, बहुत इजादात की भी हैं, बहुत मसले हल भी किए हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। तो वो चीज़ तो बजाते खुद कुछ नहीं, उसका इस्तेमाल है, तो इस्तेमाल उसका तो इंसान खुद ही करता है। अभी चूंकि एकदम से हुआ है 15-20 बरस में, तो हम सब जो है वो कुछ बौखला से गए हैं, लेकिन जो माहरीन है वो कह रहे हैं अरे भाई ये देखो किस तरफ चल पड़े हो, तवज्जो दो, इसको रेगुलेट करो अपनी ज़िंदगियों में, अपने बच्चों की ज़िंदगियों में। जो अब हमें शऊर आ रहा है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले क्यों करते ये प्रोग्राम, ये ज़रूर बात दुरुस्त है जो आपका पहला सवाल था कि उस्ताद क्या करे कि बच्चे उधर तवज्जो करें। उसका पहला जवाब तो ये कि जो कुछ करना है उस्ताद ही ने करना है। हाँ। ये जिम्मेदारी उस्ताद ही की है, बच्चों ने कुछ नहीं करना। और गालिब का वो शेर है कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा मैंने ये जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। अरे वाह। तो कोई ऐसी चीज करें कि बच्चे जो हैं वो ऐसे कुछ मबहूत हो के रह जाएं। दम बखुद। हमारे बुजुर्गों के उस्ताद पतरस बुखारी साहब जो थे वो ये कहा करते थे, जब वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, तब तो सिर्फ कॉलेज ही वो था, कि भाई आपका कोई भी उस्ताद और उसका कोई भी मजमून हो, जब भी क्लास में जाएं वो मजमून पढ़ाने, तो ये जान कर जाएं कि आप एक परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं बच्चों के सामने। सो इट हैज़ टू बी ए परफॉर्मेंस। और आज के दौर में जब बच्चे तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, तो अगर एक कोई बोरिंग टीचर आ जाए या एक खुश्क उस्ताद आ जाए तो भाई वो तो बच्चे क्या, मैं खुद भी बोर हो जाऊँगा। इसलिए मैंने उस्ताद का जो शोभा है वो छोड़ दिया कि मुझसे खुश्क उस्तादी के अलावा कुछ होता नहीं। अरे वाह, खुश्क उस्तादी, ये भी अच्छा लफ्ज दिया है आपने। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम तैमूर शकील है और मेरा सवाल ये है कि आजकल मैं देखता हूँ जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम बैठे होते हैं तो वो एक मतलब आपस में बैठ के ना बातें कर रहे होते हैं लेकिन फ़ोन भी साथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने कहा आपको भी कोफ्त होती है, मुझे भी कोफ्त होती है और मेरा रवैया थोड़ा फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में मैं क्या करूँ उनको बर्दाश्त करने के लिए, मतलब वो फोन यूज़ करते हैं। मैंने क्या किया बता देता हूँ आपको, मैंने वो दोस्ती छोड़ दी है। वो शाख ना रही जिस पे आशियाना था, मैं उनसे मिलता नहीं हूँ। और फिर जो जिनसे मिलता हूँ उनको मालूम है कि ये जो हरकत है कि गुफ्तगू के बीच में वो फ़ोन देख रहे हैं, कोई चाहे काम ही हो, अरे भाई गुफ्तगू हो रही है, उनको मालूम है कि मेरी तबीयत पर ये बात बहुत गिरां गुजरती है, तो बहुत ज़्यादा मैं उनकी हौसला शिकनी करता हूँ। तो कुछ वक्त लगा उनको, अब वो ये हरकत नहीं करते। तो क्योंकि उनको मालूम है कि मिलना छोड़ते हैं, हम बात कर रहे होते हैं वो फोन की तरफ देख के मैं सुन रहा हूं वो इस तरह का जवाब देते हैं। अच्छा, उसमें मैं अदील की बात से कई हद तक अग्री करती हूं, लेकिन एक उसूल बना लीजिए कि अगर भाई मुझसे दोस्ती रखनी है तो उसूल ये कि जब हम मिले फोन एक साइड पर उल्टा करके रख दिया जाए, कोई बहुत जरूरी कॉल हो तो उठा लो, नहीं तो हम जब तक हम मिल रहे हैं तब तक ये फोन एक साइड पर होना चाहिए। जो बात ना माने, आपको पता है दुनिया में इंटरनेशनली ऐसे होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ कोई वाईफाई नहीं है और जिनके बाहर लिखा हुआ है टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करें। हम अक्सर खाने पर जाते हैं तो हम देखते हैं पूरी फैमिली अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर लगी हुई है, दादी भी हैं, अब्बा भी हैं, बेगम साहिबा भी हैं, बच्चे भी हैं, बस एक जानवर ही नहीं है जो साथ बैठा है, वो भी अपने आईपैड या पाम टॉप पर लग सकता, उम्मीद है उनको भी लेके दिया जा सकता है। जी जनाब। अमजद साहब का गालबन शेर है, उससे आगाज़ करता हूँ। अब के मिलने की शर्त ये होगी दोनों घड़ियाँ उतार फेंकेंगे। क्या बात है, वाह वाह। तो ये मसला बड़ा पुराना रहा है, नो डाउट आज ज़्यादा आज के दौर में इसकी नीड्स हैं, क्योंकि जब हम बचपन में हम भी मैच देखते थे, बिजली चली भी जाती थी तो रेडियो ऑन करके कमेंट्री सुननी और घर वालों के प्रेशर से किताबें भी सामने खोली हुई, तो ये मसला तो रहा है और रहेगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि डिसीजन साजी मतलब फैसला लेने के लिए जो आपका मनपसंद फेवरेट कोई काम है उसको आप फोकस से करना शुरू कर दें तो वो जो फैसला आपने करना है वो आप बड़ी आसानी से ले सकेंगे। क्या बात है, वेरी नाइस। इसके लिए किसी तुर्क उस्मानी सुल्तान की मिसाल भी दी जाती है कि वो कारपेंटर्स का काम जानते थे और जब उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था कहीं जंग के हवाले से तो वो बाकी सारे काम छोड़ के वो कारपेंटर बन जाते थे। सारा दिन वो तवज्जो से काम करते रहते थे और डिसीजन ले के उठते थे। जी, क्या तो ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत दिलचस्प बात। तवज्जो क्या है, अटेंशन क्या है, बेतवज्जो ही क्या है। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपके सामने उसके तमाम तर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रख दें,
खुद को कैसे ऐसी एक्सरसाइजेज में इंडल्ज करें, खुद को कैसे ऐसी मशकें दें कि जिससे आपकी तवज्जो एक जगह पर मरकूज हो जाए। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है कि आपने जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरी तवज्जो से और पूरी दयानतदारी से करना है। हमारी तरफ से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।